कमरुल इस्लाम का नाम है चोर उन्हें चोर है उन्हें और कौन कौन है सर और क्या और एक नाम बोलो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चोर है और एक बोलो हनीस फातिमा का भी नाम लिया चोरी है और एक बोलो और कौन कौन है आप बताइए शेख इब्राहिम धर्म सिंह सड़गी सड़गी और क्या है और कौन सा है एन हरीश परसों परसों आया बच्चा ये सब टिप ऑफ द आइसबर्ग ये पानी के ऊपर जो आइसबर्ग आता है उससे वो आइसबर्ग नीचे जाते 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 इतना बड़ा होता है द मोस्ट करप्ट पीपल आर वर्क बोर्ड यू कैन टेक माई हेड ऑफ इफ देयर इज वन प्लेस वेयर आई हैव लाइड और फॉल्स रिपोर्ट आई हैव डन 7000 पेजेस एक टाइम आएगा हमारे को दफन करने के वास्ते पैसा देखो मंगना खरीदना पड़ेगा दुख की बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारा मुसलमान लोग जो कर्नाटक स्टेट में नपुंसक बन गए हम जाकर भीख मांगने का है हम ऐसे ऐसा रहने वाला ऐसे रहता है साहब 500 रुपए दे दे साहब वोट दिलाते साहब साहब 2000 रुपए दे दे बिरयानी कराते सबको वोट दिलाते साहब ये छो गया हमारा ये रिपोर्ट सीबीआई को मंडन करना है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लेना है और इसका जज वर्क बोर्ड को 54,000 एकर्स लैंड था हमारा रजिस्टर्ड लैंड विद वर्क बोर्ड उसमें 27,000 टू 29,000 एकर्स गपला होके गया है वो सब वापस आना चाहिए किसी ने भी रहने दो चीफ मिनिस्टर प्राइम कौन भी रहने गवर्नमेंट कौन भी रहने दो वापस आना चाहिए क्या है जमीनें पूरी वापस आ सके जरूर आपको चाहिए आप लोग को चाहिए हाँ या ना बोलो भैया चाहिए कि लड़ो रस्ते बैठ लड़ो इस तरह से यहाँ पे पूरे आरटीआई एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं और वक्त के चेयरमैन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं तो आज आप यहाँ पर विजिट करें गुलबर्गा क्या मीटिंग यहाँ पर ली जा रही नहीं आज जो मैं इधर आया हूँ क्यों के लिए आज हमारा कांता साहब है ना एसके कांता वो मेरे साथ पिछली 8 साल से मेरे साथ केस में था हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सो हम जाके उधर सुप्रीम कोर्ट में जीत चुका है जो मेरा रिपोर्ट था ना वो रिपोर्ट लेजिस्लेचर में मंडन करना करके पिछली सरकार मंडन करने के रेडी नहीं थे क्योंकि लिए वो सरकार के बहुत सारे मिनिस्टर अंग्रिस्टर बहुत बड़े लीडर सब चोरा और चोरी था वो लोग अब जेल जाने का जरूर डेफिनेट था इसलिए वो डर के वो मेरा रिपोर्ट टेबल नहीं किया उसके बाद हम कोर्ट को गया हाई कोर्ट में जीता कंटेंट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट में वो भी जीता वो लोग सुप्रीम कोर्ट गया उधर भी जीता है ये सब मैं केस जो जो मैं चेयर माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन था तब इन्वेस्टिगेट करके ये जो 7000 पेज का रिपोर्ट दिए थे इसमें 2,30,000 करोड़ का प्रॉपर्टी का लफड़ा हुआ था ये सब हमारा खुद का लीडर जो कुछ तब हुक्म चलाते थे वो लोग ये सब काया है और इस प्रॉपर्टी में जो 3 मेडिकल कॉलेज ऐसा है इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा है और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऐसा है ये सब हमारे को वापस आना चाहिए 1998 का ऑर्डर के अनुसार उधर के एक चेयर भी लेने एक स्क्रू भी नहीं ले सकता है वैसे वापस आना और अभी जो वक्फ प्रॉपर्टी में जो रेंट मिल रहा है जो हमारा वक्फ बोर्ड को अक्का स्टेट में शायद रहेगा 30 और 40 लाख वो रेंट नहीं है वो एक्चुअल रेंट उसका रहेगा इट्स मोर देन 200-300 crores वो कैसे करता है वो लोग कमिटी साहब वाले सब मिलके 100 रुपए का जो बड़ा मिलने जगह में सिर्फ 10 रुपए बड़ा चिट देगा उसको और 20-30 रुपए ये लोग खाएगा उस उन्हें भी खाएगा ऊपर वाले को देगा सीओ को भी देगा मिनिस्टर को भी देगा सब वक्फ लीडर को भी देगा वही हिसाब से देखे तो भी हमारे को कम से कम 400-800 crore मिलना चाहिए वही पैसा जो हमारा गरीब मुसलमान को देखभाल करने के लिए बंद जो ये सब हमारे वक्फ प्रॉपर्टी वापस आए तो आना है किसको भी रोक नहीं सकता आए तो हर मुसलमान के सर के ऊपर एक छत्र रहता है हर मुसलमान का बच्चा बच्ची इंजीनियर मेडिकल कॉलेज फ्री पढ़ सकता है अक्का इंडिया में
अमीर ऑर्गेनाइजेशन तीन है, अमीर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं, रेलवे, आर्म्ड फोर्सेस एंड वक्फ। ऑर्गेनाइजेशन में हम तीसरा पोजीशन में है, कर्नाटक में हम नंबर वन में है, नंबर दो रेलवे से, नंबर तीन आर्म्ड फोर्सेस है। मगर कौम के बाद में आप सोचे तो इंडिया में बहुत बड़ा अमीर कौम बोले तो हम मुसलमान वक्फ, और नंबर टू आता ना वो सेठ लोग रहेगा, क्रिश्चियन लोग रहेगा, वो बहुत नीचे है, उधर है, इतना नीचे। फिर भी हम गरीब है, हम जाकु भीख मांगने का है, हम ऐसे ऐसे रहने वाला ऐसे रहता है। साहब 500 रुपए दे दे साहब, वोट दिलाते साहब, साहब 2000 रुपए दे दे बिरयानी के खिला को सबको, वोट दिलाते साहब, ये छो गया हमारा। एजुकेशन नहीं है, जो गुजरी वाला गुजरी रहेगा, पैच पीर वाला पैच पीर ही रहेगा, पेंटर पेंटर भी रहेगा, इलेक्ट्रिशियन रहेगा, कब तक सहेगा हम? इसलिए जो हर मुसलमान इकट्ठा होके जो हमारे हक के वास्ते लड़ना चाहिए, जैसा रोते बच्चे को मां दूध पिलाता है, हम पर हक हम मांगना चाहिए। चुपके रहे तो ऐसा ही आते जाते जाते रहते, एक टाइम आएगा हमारे को दफन करने के वास्ते पैसा देखो मांगना खरीदना पड़ेगा। इतना स्पीड से जो हमारा जो प्रॉपर्टी जो जा रहे, एशिया का नंबर वन बिगेस्ट कब्रिस्तान था बीदर में, कितना बाकी है आप ही जाके देख लो, इधर भी कितना कब्रिस्तान की जगह गया है। 54,000 एकर्स लैंड था हमारा, रजिस्टर्ड लैंड विद वक्फ बोर्ड, उसमें 27,000 टू 29,000 एकर्स गपला होके गया है, वो सब वापस आना चाहिए। किसी ने भी रहने दो, चीफ मिनिस्टर प्राइम कौन भी रहने दो, गवर्नमेंट कौन भी रहने दो, वापस आना चाहिए। गवर्नमेंट में पास रहे तो वो डर नहीं है, और रूल पास होकर मार्केट रेट क्या है उसका 4 गुना देना है, प्लस वो जगह लिए ना वैसा जगह दूसरा जगह में जगह भी देना है। जिस तरह से आप वक्फ लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, मुस्लिम कौम में मुस्लिम इदारे में ये कहा जाता है कि वन वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, वक्फ के बारे में लोगों को बताया जाता है, लेकिन हमेशा से ये देखने में आ रहा है कि इसके बावजूद भी कई सारे वक्फ के लैंड यहाँ पर कब्जा होते नजर आ रहे हैं। आपके तरफ से भी 7,000 पेज की एक रिपोर्ट सबमिट की गई है वक्फ लैंड के ऊपर, ये जो रिपोर्ट है इसकी हकीकत क्या है सर? क्योंकि आपका एक इंटरव्यू हमने देखा था हमारे गुलबर्गा हेडलाइंस पर भी उसको पब्लिश किया गया था कि तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं आपने उनका उसमें नाम लिया है, तो क्या है सर, जब कौम के लीडर जब आते हैं कौम के पास, कौम की हमदर्दी की बात करते हैं, उसके बावजूद भी आप इस तरह से उनको वक्फ लैंड का जो कब्जा करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या हकीकत है? हकीकत कुछ नहीं है, जो रिपोर्ट में जो मेंशन हुआ था, जो कौन भी कौन की कमीशन कौन भी एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को देता है, वो गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी होता है, लेजिस्लेचर का प्रॉपर्टी होता है, वो किसी बाहर नहीं दे सकता है, वो पब्लिक डोमेन में जब आता है तब ए विधानसभा में मंडन होता है, टेबल होता है। मैं 2012 में यह रिपोर्ट देने के बाद अब तक लड़ाई क्यों किया करके बोले तो, ये जो रिपोर्ट मैंने दिया है वो पब्लिक डोमेन को आना है, हर आदमी को मिलना चाहिए। आप कैसे लड़ाई करके 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 परसों सितंबर 23 में मंडन हुआ, टेबल हुआ, अब सबको मिलता है, फिर भी हमारा मुसलमान लोग कितने आदमी के पूछो, कितने आदमी हमारे रिपोर्ट लेके आए, कितने आदमी कोर्ट द जर्नलिस्ट आरटीआई में जेको ले दो, वो किताब दे दो और रिपोर्ट दे दो, हम पढ़ेंगे। वो रिपोर्ट हर मस्जिद वाले लेना चाहिए, हर मुसलमान लेना चाहिए, और खुद पढ़ना चाहिए, पढ़ के मालूम पढ़ना चाहिए किधर किधर हमारा जो प्रॉपर्टी गया है, हमारे हक क्या है, हमारे को मिलता कि नहीं की, ये करना चाहिए। मेरे वास्ते नहीं, तुम्हारे वास्ते, इसके वास्ते नहीं, वो कौम के वास्ते। गुलबर्गा शहर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी से नोटेड है जो वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा की गई? तुम्हें कौन सा प्रॉपर्टी बोलते है बोलो, वो अंदर है रिपोर्ट के अंदर है, इतना खराब है। गुलबर्गा, बीदर, बीजापुर, यादगिर, तो मेन लैंड्स उत्तर कर्नाटक में बहुत
गरीब स्टेटस में रहता है हमारा मुसलमान इधर, क्यों? कौन है सर इसको कब्जा करने वाले लोग? अरे आप नाम बोलो, किसी के नाम बोलो, तमाम लीडर्स के नाम बताए जाते हैं। ये आप एक 5000 पेज की जो रिपोर्ट है उसमें किस किस के नाम, आपके मन में कौन सा नाम आता है? एक नाम बोलो। हमने सुने थे उसमें नाम कमर इस्लाम का नाम है चोर है उन्हें। और कौन कौन है सर? और क्या, और एक नाम बोलो, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चोर है। और एक बोलो, कनीज फातिमा का भी नाम लिया चोरी है। और एक बोलो, और कौन कौन है आप बताइए सर? आप कौन सा नाम लेते हो? मैं बोला ना, शेख इब्राहिम, धर्म सिंह। नहीं सर, इस जब आपने क्या उन्हें क्या है, सूर्यवंशी जी, और सड़गी सड़गी, और क्या है, और कौन सा है, हरीश, परसों आया बच्चा सर। ये तमाम लीडरों के जो आप नाम ले रहे हैं या सीनियर लीडर्स हैं, समझ में आता है कनीज फातिमा के ऊपर किस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं? वो उसको मदद के साथ मिला के वो प्रॉपर्टी उसके उसे एंजॉय कर रहे हैं, और उसको उसके रखने के वास्ते वो लड़ाई जारी रखा है। और जो मेन क्रक्स, जो मेरा रिपोर्ट का मेन क्रक्स है, वो तो जज है, वो तो वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में एक दिन आके उधर टेरा सुबह में शाम तक कम से कम 50 केस आएगा। हमारा वक्फ बोर्ड के अंदर 3000 के ऊपर इदारे हैं, उसमें 60-80% प्रॉब्लम में है, और उसका डायरेक्ट कंट्रोल में कौन, किसका? वक्फ बोर्ड का। अब एक आदमी वक्फ बोर्ड को चुनाव लड़के उधर मेंबर बनने के वास्ते 8-10 करोड़ तक खर्चा करता है, साइड देता है, कार देता है, रेनो वॉच देता है, ये सब लेके उधर चुन कर आता है। इसके बावजूद भी कई मेंबर्स कनीज फातिमा को लेकर, कई दीगर लीडर्स आज भी स्टेट बॉडी में मेंबर्स बने हुए हैं सर, वक्फ प्रॉपर्टीज में। अभी भी जो वक्फ बोर्ड में बैठा हुआ आदमी, उसमें तीन चार आदमी लोग का नाम मेरा रिपोर्ट में है। कौन कौन है? और जो बाई मिस्टेक जो हमारे सरकार ने भी किसको अपॉइंट किया, उसमें शाफी सदी करके मौलाना का नाम भी है, उन्हें लूट रहा है। परसों उसको पकड़ा हुआ, हम और हमारे साथी पकड़ा है उसको। वो मस्जिद को कंपाउंड वॉल बनाने के वास्ते गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है, उसमें भी झूठ बोल के 2015 में खत्म हुआ मस्जिद के नाम पे कंपाउंड वॉल होना करके 19 लाख उन्हें मारा है। ये सब टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये पानी के ऊपर जो आइसबर्ग आता है, वो आइसबर्ग नीचे जाते 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 इतना बड़ा होता है। This is exactly what's happening. The most corrupt people are Waqf Board. Karnataka Rajyada Bahudodda Bhrashtacharada Koopa Waqf Board. The biggest corrupt place. Unless har Musliman milke ye report CBI mein ko mandan karna hai, CBI ki investigation lena hai, और इसका जज वक्फ बोर्ड को जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वो वक्फ बोर्ड को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखना है, मना तब तक नहीं होता तब तक बर्खास्त में रखना है, क्लियर होने के बाद आने दो, तब तक गुड एडमिनिस्ट्रेटर डाल के चलाना है। सर जिस तरह से आप इतने सालों से लड़ाई कर रहे हैं, और कई यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी पुरानी वो जो वक्फ लैंड कब्जा हुई है वो वापस आना तो दूर, नए नए ऐसे कई वक्फ लैंड हैं जो कब्जा आज भी होते नजर आ रहे हैं। इसलिए मैं बहुत दुखी बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हमारा मुसलमान लोग जो कर्नाटक स्टेट में नपुंसक बन गए। परसों एक हमारा सेक्रेटरी था एबी इब्राहिम, ये सब गलाता चल रहा है। मैं इतना सब जोर जास कर रहा हूँ, इधर ही तुम्हारा गुलमर्ग में आके ही मैं ओपन स्टेटमेंट भी दिया हूँ, कम्युनिस्ट का उनको चोर और क्या लुटेरे ने बोला तो क्या बुलाऊ मैं कर को, हर जगह का नाम लेके मैं बोला था, मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं किया। ये सब इतना सब गलाता मैं कर रहा हूँ, उन्हें करने के बावजूद भी जो अडूर इब्राहिम ने बुलडोज करके उसका ऑफिसर को बुलडोज करके दावणगिर में
एक जगह एक पेट्रोल बुक दिया है हमारे वक्फ जगह, क्या बोलते हैं आप? अवाम क्या उम्मीद लगाए सर, क्या ये जमीनें पूरी वापस आ सकती हैं? जरूर, आपको चाहिए, आप लोग को चाहिए, हाँ या ना बोलो भैया, चाहिए फिर लड़ो, रस्ते में लड़ो, हर जगह में। इसलिए ऑन 9th सांकेतिक रूप से हम 3 जगह में उपवास सत्याग्रह कर रहे हैं। वो 9th को गुलबर्गा में, 8th को यादगिर में, और 6 तारीख को बीदर में, जो किधर से मैं शुरू किया था मेरे रिपोर्ट लिखने के वास्ते। परसों परसों एक महीने के पहले बहुत बड़ा एक स्ट्राइक वकपुर के सामने बेंगलुरु में भी हुआ है। अब हमारा लोग को जरूरा नींद से उठ गए लोग, हमारा साथ देने के लिए अब सोच रहे हैं लोग, अब तक नहीं दिया था, अब सोच रहे, आतुक करके बोल रहे हैं। शायद 9 तारीख को मालूम पड़ेगा कितना आदमी वो हड़ताल में ज्वाइन करेगा। आखिर मैसेज क्या देना चाहेंगे अब आपको वर्क प्लान के बारे में? हमारा हक को हम बचाना चाहिए, और हर जो हमारे कौम वाले अच्छे तरीके से जीना चाहिए। वो गुजरी और नाम है ना हमारा को, गुजरी पेंटर फिटर ड्राइवर वो सब जाना चाहिए। हमारा बच्चा बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ताकत है। उसके वास्ते हर मुसलमान इकट्ठा होकर हमारा जो ये अवकाफ का जो जमीन है, अवकाफ की जो प्रॉपर्टी वापस लेने का, उसके वास्ते लड़ना चाहिए। जब तक नहीं मिलेगा जब तक लड़ाई जारी रखना चाहिए, और इसमें किसी का सियासत, इसमें किसी की भी सियासत नहीं रहना चाहिए, अल्टीरियर मोटिव नहीं रहना चाहिए। जब मैं हड़ताल सब करने का पूछेगा मेरे को, पूछो मेरे को, पूछेगा आपको सरकार रहे तो भी आप ये करता है ना? हाँ करता है, क्योंकि लिए ये मेरे के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, हमारा एक मिनिस्टर साहब भी मेरे को पूछा था, क्यों अनवर जी आप बहुत उड़ रहे हैं, आप मुसलमान लोग कौन भी नहीं पूछ रहे हैं? सच्ची बात है, खुद मेरे को एक दो मिनिस्टर ने मेरे पूछा था मीटिंग पर, वफ जागर वफ जागर चली मुसलमान यारी बैठ वाल वाइज होता। तो इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ, आप लोग मालूम करना चाहिए क्या हुआ है, हमारा हक क्या है। सब एक एक आदमी, हर मुसलमान, हर मस्जिद, और रिपोर्ट का एक कॉपी ले लो, सच्चा है क्या झूठे का मालो, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। जो इधर किधर भी एक जगह में मैं झूठ लिखा हूं विदाउट प्रूफ लिखा हूं और अल्टीरियर मोटिव, हाँ उसको ये कर सजा कर उसका लिखा हूं, मेरा नेक आपके सामने गिलोटिन पर रहेगा, मैं बलिदान देने को तैयार हूं। यू कैन टेक माय हेड ऑफ इफ देयर इज वन प्लेस वेयर आई हैव लाइड और फॉल्स रिपोर्ट आई हैव डन। 7,000 पेजेस ऑफ विच 310 पेजेस is a total report, the main report, and 7,000 pages, every bits and bit, evidential proof है उसमें। उसमें हमारा इधर के judicial commissioner था पहले, Rajesh Goyal, उसका report भी शामिल है। ये सब supporting documents भी वो 7,000 pages में हैं। अब हमारा मुसलमान भाई बहनों को मर्जी, उसको चाहे या नहीं चाहे, चाहे तो सब साथ मिलके लड़ेंगे और हासिल करेंगे।